मेजोरिटी को ही आगे कन्वर्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। उसका एक सवाल है, प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमने एक डाइस को दो बार फेंका है या दो डाइस को एक बार फेंका है। क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या लिखा है, टू डाइस आर थ्रोन वंस और वन डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स, अ डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 36 होंगे। तो सैंपल स्पेस जो है ना, सैंपल स्पेस को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है आपको 36 आउटकम कौन से होते हैं। फिर ई और एफ इवेंट वो होते हैं जिसमें ई इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे उसमें गिवन दैट पहले है, प्रोबेबिलिटी पता करने वाला इवेंट बाद में है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, तो ई इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी पता लगानी है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। एफ इवेंट हमें पता है, ये क्वेश्चन में इनिशियली दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस, टू डाइस आर डिफरेंट, ये गिवन है। तो एफ इवेंट क्या होता है, जो पहले अकर होता है। ई इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो हमने क्वेश्चन में से कर ई और एफ को मान लिया है। अब ई और एफ का सैंपल स्पेस बनाएंगे, इन 36 आउटकम के अंदर से निकालेंगे हम। तो सम 4 कौन से केस में होगा, सबसे पहला केस होगा 1.3 को रिवर्स कर दो, 3.1 हो गया, फिर क्या आएगा 2.2, उसका रिवर्स 2.2 ही रहेगा और मेरे ख्याल से कोई इसमें आउटकम नहीं है। तो सम 4 तीन केस में हो गया। अब आता है एफ का सैंपल स्पेस। तो एफ जो है उसके अंदर बोल रहा है कि दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। अब बताओ सेम नंबर कौन से होते हैं डाइस में, सेम नंबर कौन से होते हैं, दो डाइस फेंकते हैं जब, तो उनको बोलते हैं हम डबलेट्स, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। उनको अगर इसमें से हटा देंगे तो वो नंबर निकलेंगे जो डिफरेंट होंगे, कितने होंगे 30 होंगे। इसका मतलब पहला नंबर होगा 1, 2, दूसरा होगा 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, यही होंगे ना, 1, 1 नहीं लिया मैंने। अगला नंबर क्या होगा, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, करेक्ट। ऐसे करते करते हम लोग 6 तक चले जाएंगे, फिर आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, ये सारे वो नंबर है जो डिफरेंट है, देख लो यही बोला ना उसने वहां पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या है देखो दोनों में, 1, 3 और 3, 1 नंबर हमारे दो आउटकम कॉमन निकलेंगे जो कि इंटरसेक्शन में आएंगे। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ई स्लैश एफ लिखते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम निकले, 2, और एफ में कितने आउटकम है, 30, कितने आउटकम है 30, तो कितना आंसर हो गया 1/15 आंसर है इसका।